मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप पूरी तरह से मन के हिसाब से चलते हैं तो मन आपको भटका देता है, और जब आप अपने मन को कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाते हैं तो आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो सब आपको मिलता है। पर आजकल बहुत मुश्किल है मन को अपने हिसाब से चलाना, उसे ऑर्डर देना। जिंदगी में अभी तक तो जैसे मन हमें चलाता आया हम वैसे ही करते आ रहे हैं, पर अब ये एक बीमारी बन गया है। सारा दिन माइंड में थॉट्स चलते ही रहते हैं, लोगों को टेंशन, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, सब तरह की परेशानियां हो गई हैं। बड़ों को तो क्या, आजकल स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी स्ट्रेस हो गया है। पढ़ाई का, करियर का, एग्जाम्स का, फ्यूचर का बस दिमाग में चलता ही रहता है, और इसके कारण सबके जीवन में अशांति और बेचैनी आ गई है। सब कुछ होते हुए भी लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, मन में शांति नहीं है। अगर आप अपने मन की शांति और सुकून पाना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इन 5 बातों को आप जरूर करें। सबसे पहले, बी सिलेक्टिव फॉर व्हाट यू आर लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग। आपका मन एक स्टोरेज की तरह है, आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं वो सब उसमें सेव हो जाता है। आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, पर एक एक शब्द, एक एक दृश्य आपके मन पे बहुत गहरा असर डालता है। आप वही सब सोचना शुरू कर देते हैं जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं। सोशल मीडिया आपको रोज नई नई बातें परोसता है। कल रात लाखों लोग शांति से घर में सोए, एक खबर आप तक कोई नहीं पहुंचाएगा, पर कल रात को एक घर में चोरी हो गई, वो बात आपको पहले पहुंच जाती है। लाखों लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, ये आपको नहीं बताया जाता। किसी एक का एक्सीडेंट हो गया, वो बात आप तक पहुंचाई जाती है। तो सारा दिन नेगेटिव बातें देखकर सुनकर यही सब आपका मन सोचना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो आपका संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार आपका विश्वास बन जाता है। आप अगर रोज सुनते रहोगे कि आजकल सब बेईमान हैं, तो धीरे धीरे यही आपका भी विश्वास हो जाएगा। पर अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, देखते हैं, तो वही आपका संस्कार बनता है और वही आपका विश्वास बनता है। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है, जो थॉट्स आपके मन में डर और बेचैनी, अशांति बढ़ाते हैं वो नेगेटिव हैं, और जो थॉट्स आपके मन में शांति, सुकून, समझ और ज्ञान बढ़ाते हैं वो पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, चेंज योर इमोशनल एंड फिजिकल डाइट। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप अपनी डाइट चेंज करो, अपना खाना बदलो। तो अगर आपका मन बीमार है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल डाइट और फिजिकल डाइट चेंज करनी होगी, क्योंकि अगर आप सब तरह की भावनाओं का वेलकम करेंगे तो वो आपकी आदत बनती जाएंगी। अगर आप जेलसी, एंगर, गुस्सा, बेचैनी, कंपैरिजन, चिड़चिड़ापन, इन सब भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर दिन ये आपकी आदत बनते जाएंगे। आप अपने मन को कुछ भी सोचने की आजादी नहीं दे सकते, और आपके कुछ सेट रूल्स होने चाहिए लाइफ में कि मुझे गलत नहीं सोचना है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। मुझे खुद को उन भावनाओं से बचाना है जो मेरे मन को दुखी और अशांत करती हैं। और आप अपना आहार भी बदलें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन बनता है। अगर आप तामसी और रजोगुणी खाना खाते हैं तो आपके मन में गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है, और जब आप सात्विक आहार खाते हैं तो आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है। तो आप अपने मन को और शरीर को वही आहार दें जो आपके मन और शरीर के लिए अच्छा हो। तीसरी बात, मेक योर मॉर्निंग पॉजिटिव एंड हेल्दी। आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं वही एनर्जी सारा दिन काम करती है। आप अपनी सुबह पॉजिटिव, डिवाइन और हेल्दी बनाएं। सुबह को अच्छी बुक्स पढ़ें, प्रेयर करें, एक्सरसाइज करें। सुबह सुबह जो विचार आप अपने मन को देंगे उन्हीं विचारों का असर सारा दिन आप पे रहेगा। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल हाथ में उठा के ये चेक करने लग जाएंगे कि ब्रेकिंग न्यूज क्या है या मेरे दोस्तों ने सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट किया है, दुनिया भर की बातों के लिए आपके पास सारा दिन है। पर सुबह सुबह अपने मन में पवित्र विचारों को डालें, जिससे सारा दिन आपका मन शांति और सुकून को अनुभव करेगा। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सुबह का समय जरूर अपने आप को बनाने में लगाएं। अधिकतर लोगों का सुबह का समय तो नींद में ही निकल जाता है, लेकिन आप अपने सुबह के समय को वेस्ट ना करें, और कोई भी एक ऐसी किताब रोज पढ़ें जो आपको अच्छी शिक्षा देती हो, जो आपको पॉजिटिव थॉट्स देती हो, जिसको पढ़ने से
आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। चौथी बात, डोंट ओवर यूज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, इसके बहुत फायदे भी हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर करें, पर इसके आदत ही ना बने। एक टाइम सेट करें कि इस समय से इस समय तक आप टीवी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में, पर लोग उस समय भी टीवी मोबाइल नहीं छोड़ते। फिर कहते हैं मन में अशांति है। कम से कम खाना तो शांति से खाओ, 10 मिनट भी आप शांति करके नहीं बैठते। फिर कहते हो कि मन बहुत अशांत है। अशांति तो आप खुद पैदा कर रहे हो। और सोने से 2 घंटे पहले टीवी मोबाइल से खुद को दूर कर दो, और अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छी किताब को पढ़कर करें, ना कि मोबाइल से आपका दिन शुरू हो। पांचवी बात, मेडिटेशन। आप कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन ध्यान जरूर करें। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है, आपके माइंड को डिटॉक्स करता है। नियमित ध्यान करने से आपका मन स्थिर होने लगता है, आपके मन का भटकाव कम होने लगता है, आप खुद को शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं। तो ये 5 बातें आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सबसे पहले तो जो भी आप देखते हैं सुनते हैं तो उसे सोच समझकर ही देखें और सुने। दूसरी बात, आप अपनी इमोशनल और फिजिकल डाइट चेंज करें। तीसरी बात, आप अपनी सुबह को खूबसूरत बनाएं। चौथी बात, आप खुद को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आदती ना बनाएं। पांचवी बात, आप रोज 15 मिनट ध्यान करें। अगर आप ये 5 बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो विश्वास रखना आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, आप हमेशा शांति को अनुभव करेंगे और बाहर की दुख परिस्थितियां आपके मन पर इतना असर नहीं डाल पाएंगी। आपकी ओवरथिंकिंग, आपका डर, आपकी नेगेटिव थॉट्स, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और जब लाइफ में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।